बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ। गंदारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये भी हबको की तरह काफी लाइमलाइट में है क्योंकि इसमें भी हमने मैसिव सेलिंग देखी है। तो थोड़ी सी मैंने इसको मंथली चार्ट लिया है क्योंकि डेली पे अब जिस तरह इसकी डिक्लाइन आ रहा है तो ये सारे सपोर्ट डेली के वीकली के तोड़ता हुआ नीचे आ रहा है, तो इसलिए मैंने मंथली चार्ट लिया। हालांकि अभी मंथ एंड हुआ नहीं है। अच्छा, हम इसकी जरा हिस्ट्री देखें तो यहाँ इसका हाई था 2017 में 406 रुपए का, ठीक है, और इससे पहले डिविडेंड भी देता रहा है और अच्छा डिविडेंड दिया है। 45%, 10% यहाँ दिया था थोड़ा, फिर यहाँ पे 50%, फिर यहाँ पे 50%। अर्निंग भी देखें तो इसी तरह इसकी आती रही है। ईयरली देखें तो इसकी 8.4, 4.6 इस तरह इसकी अर्निंग आती रही है। 16 यहाँ पे अच्छी इसकी अर्निंग आई थी, डिविडेंड भी इसने यहाँ पे अच्छा दिया, तो यहाँ पे इसके बाद जो फिर इसमें डिक्लाइन आता गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ईयरली अर्निंग बहुत अच्छी थी लेकिन दिया कुछ नहीं, फिर इसके बाद डिक्लाइन आता गया। सॉरी, इवन यहाँ तक के माइनस में भी आ गए, -4.73। तो फिर ये मतलब समझिए, मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए इसकी इसके बाद कोई पे आउट हिस्ट्री नहीं है। इवन यहाँ पे भी अच्छी इसकी अर्निंग आई है अभी रिसेंटली जो है 2024 में सेप्टेम्बर में इसका आया था क्वार्टरली 5.09 की क्वार्टरली अर्निंग थी। करंट जो ईयर जो अभी चल रहा है ईयरली अर्निंग का वो 6.4 था। तो कम से कम जिस तरह पहले 10% दिया देना तो चाहिए था, कोई डिविडेंड नहीं दिया। इसी तरह इसमें हमने वैसिव सेलिंग देखी है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से चलना शुरू हुआ, चेरी टीगो की वजह से इसकी काफी डिमांड आ गई थी क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा थे और प्राइस बड़ी कम थी इसकी। अगर आप एज कंपेयर टू किया स्पोर्टेज ले लें, जो काफी सेलिंग इसकी हमने देखी है कि काफी इसकी जो सेलिंग हिस्ट्री हुई है और रिकॉर्ड, बल्कि हम कहेंगे रिकॉर्ड सेलिंग हुई थी किया स्पोर्टेज की, तो उसको कम्पीट करने के लिए चेरी टीगो जो है, फिर ये इसने अपने प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव रखे, तो उसमें इसकी डिमांड में इजाफा। और यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन आई कि भाई इनके पास जो है ऑर्डर बहुत ज्यादा हो गए और डिलीवरी के लिए भी गाड़ियां नहीं है, एक न्यूज ये भी आई थी, और इसी वजह से इसने ये 367 रुपए का आई किया था। लेकिन डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो कुछ भी नहीं है इसके बाद, 2017 के बाद कोई भी डिविडेंड हिस्ट्री नहीं है। आपको कैपिटल गेन देता है अच्छा खासा ये तो। अच्छा, इसके साथ में और भी सर इसके प्रोडक्ट भी बता दूं, इसके चेरी टीगो के अलावा जैक ट्रक है और है आपका रेनॉल्ट के ट्रक है, मतलब ये हैवी व्हीकल में भी ये असेंबली करता है हैवी व्हीकल्स की। अच्छा, अब ये मैं बता दूं टेक्निकली कि भाई जैसे यहाँ पे 406 का क्या था, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे 330 पे सपोर्ट लिया। मैं यहाँ पे ये इसका ये वीकली सपोर्ट बता दूं, जो इसकी वीकली और मंथली सपोर्ट जो था वो ये 329.62, 330 की ये वाला 330 के अराउंड था, जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था बाद में, ठीक है, जब से इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है ना। ये जैसे ये नेक्स्ट मंथ में इसको अच्छी बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया और इसको निगेट भी किया, ठीक है, ये डोजी बना था, अच्छा डोजी बना था। यहाँ पे अगर इसको इसकी कंफर्मेशन हो जाती, इसके ऊपर क्लोजिंग आती, एटलीस्ट यहाँ पर भी क्लोज, ये ओपनिंग थी ना, ये इसकी क्लोजिंग थी, यहाँ पे भी अगर 352 के ऊपर क्लोजिंग आती तो मजीद अपसाइड देख सकते थे, लेकिन वहां से हमने सेलिंग विटनेस की, ठीक है। फिर इसने यहाँ के देखें, यहाँ आके यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट एरिया बनता है यहाँ पे, जो अभी भी एसी का ये सब जो अभी जहाँ क्लोजिंग हुई है 173 के अराउंड, ये वाला एक सपोर्ट एरिया मैं बता दूँ, ये इसने यहाँ पे सपोर्ट एरिया यहाँ पे ही बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है, जो क्लोजिंग आई है इसकी 173.55 रुपए के अराउंड और 175 के अराउंड इसका सपोर्ट है। यहाँ से इसने फिर सपोर्ट लिया था, ठीक है, और सपोर्ट लेके क्लोजिंग जो इसने यहाँ पे दी थी 269, यहाँ पे मैं आप इसको मैं भी जरा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए सही, ठीक है। ये एरिया जो है 272 का, ये अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, पहले सपोर्ट में था, ठीक है। और इसी के देखें ना, इसी के रिस्पेक्टिवली अभी फिर यही स्टॉक दोबारा से परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको आरएसआई भी बता देता हूँ इसका, जब ये गया था तो आरएसआई जो है इसका मंथली का जो है ये 83 पे था, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 86 से लेके 81 तक गया, फिर ये 83 से लेके 73, ठीक है, तो ये तकरीबन ये 7 बिटवीन 72 80
ये इस तरह परफॉर्म करता रहा हायर साइड पे, और यहाँ पे ये हम रिजेक्शन भी देख रहे थे, यहाँ पे भी देखें रिजेक्शन आई अच्छी खासी, इसी तरह यहाँ पे भी अच्छी हैवी रिजेक्शन आई है, देखें बड़ी विक के साथ यहाँ पे भी अच्छी बड़ी विक बनी, तो हमने यहाँ पे रिजेक्शन विटनेस किया। ठीक है, तो मैंने भी जब ये ऊपर स्टॉक जा रहा था तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था, मैंने कहा देखें यहाँ पे अब हालांकि लोग कह रहे थे कि चेरी टीगो आएगी और बहुत डिमांड है और ऑर्डर बहुत ज्यादा है, गाड़ियां हैं नहीं, तो ये 500 रुपये तक चला जाएगा, तो मैंने टेक्निकली कहा था देखें यहाँ ओवर बॉट हो गया है, और जब ओवर बॉट हो जाता है और वहां पे जब न्यूज आने लगती है कि आप बाय कर लें 500 रुपये हो जाएगा, तो मैंने कहा मोहतात रहे, तो मैंने स्पेशली अपने ट्रेडलेट ग्रुप में जो कहा था कि यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस दे दें एटलीस्ट, कम से कम यहाँ पे नीचे की साइड पे 330 है ना, ये हैवी रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस पहले भी आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था लेकिन इसको तोड़ा था एक बड़ी कैंडल ने, फिर यहाँ पे देखें फिर ये रीटेस्ट किया एक वीक, अब यहाँ पे वीक बनना शुरू हो गई थी तो नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब इस तरह यहाँ पर भी देखें अभी तक इसको रीटेस्ट नहीं किया दोबारा, यहाँ तो अभी रीटेस्ट हुआ था लेकिन रीटेस्ट भी नहीं किया और ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। अच्छा, अब यूं देखें तो एक तरह से अगर इसको हम कैंडल शुमार करें तो थ्री, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये थ्री ब्लैक सोल्जर जो है ये एक बुलिश कंटिन्यूशन शो कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई कहीं पे भी विक बनती है कि डोजी बनता है, फॉर सपोज जैसे मैंने अभी सीपीआर का लेवल, इसको मैं हटा दूं, ये सीपीआर के लेवल के करीब ही आ रहा है। ठीक है, सीपीआर का लेवल 176 रुपए 51 पैसे है। ठीक है, और क्लोजिंग 171 के अराउंड आई है, तो ये अगला जो है सपोर्ट जो 146 रुपए सीपीआर के लेवल के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस यहाँ हो सकता है इसके बीच में, जरूरी नहीं है कि इसको डिटेस्ट करें, इसके बीच में कहीं सपोर्ट ले सकते, जैसे यहाँ पे इसने भी सपोर्ट लिया था पहले, ये देखे 3 जून को, जून के महीने में यहाँ से सपोर्ट लिया था 164 रुपए में। अच्छा, इसकी भी एक वजह था, तो उसकी 164 रुपए में सपोर्ट लेने की, ये मैं आपको ट्रेंड लाइन से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये इसकी मैं यहाँ पे क्लोजिंग लूंगा येलो कैंडल की, ये बुलिश कैंडल की, और ये इस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग लूंगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि ये एरिया जो है हो सकता है ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पे भी इसी तरह कोई डोजी बने। ठीक है, ये एरिया, ठीक, अब ये समझिए अभी यही महीना चल रहा है ना, तो 159 रुपये हो सकता है, 159 रुपये, और इवन जो है जिसे मैंने आपको बताया, ये वाला एरिया जो है इसको रिटेस्ट कर सकता है 156 रुपये। ठीक है ना, ये भी इसकी नेकलाइन सपोर्ट है, मैं आपको यहाँ पर भी एक ये बना देता हूँ, ये वाला एरिया ले लेते हैं चलें। ठीक है, ये एक अच्छी सपोर्ट बनती है 155-156 रुपए, इसको भी रीटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई विक, जिस तरह यहाँ बहुत बड़ी विक बनी है तो यहाँ पे भी विक बन सकती है, क्योंकि मंथली कैंडल है तो 146 पे भी विक बन सकती है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से 132 पे भी विक बन सकती है, बहुत बड़ी विक बन सकती है। देखें ना आप, जैसे मैंने आपको जैसे पहले बताया था 330 से, तो ये 378-379, बल्कि मैं यहाँ आपको कंफर्म बता दूं 369 रुपए 69 पैसे, 370 के अराउंड गया था, 40 रुपए यहाँ से बढ़ा था, तो यहाँ से फिर जैसी बात है आ रहा, तो यहाँ विक भी इतनी नीचे 40 रुपए के अराउंड नीचे विक बन सकती है, बहुत बड़ी विक बन सकती है, लेकिन क्लोजिंग अगर सीपीआर एटलीस्ट 40 रुपए के ऊपर आ रहा हो क्लोजिंग, तो यहाँ पर एंट्री बनती है इसी के अराउंड विद स्टॉप लॉस 146 का स्टॉप लॉस देके आप एंट्री ले सकते हैं, फॉर अगेन 207 के टारगेट के साथ, और 272 जो हैवी रेजिस्टेंस की, यहाँ पे भी देखें कितना नीचे आया था, 135 तक आया था, 406 रुपए से लेके ये 135-34 आया था, फिर इसने 272 दिखाया था, तो अभी यहाँ पे समझे रिवर्सल के चांसेस अब यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं इन एरियाज में, अब ये यहाँ पे बाइंग एरिया आ गया है सीपीआर के लेवल के हिसाब से भी, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो था जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है उसके हिसाब से भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखें आप वीक देखें यहाँ बनी थी 165 के अराउंड, ये मैं बल्कि आपको मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 163 का इसने लो किया था, और फिर यहाँ से अपने अपसाइड मूवमेंट देखा अच्छी खासी, देखें यहाँ से 368 रुपए तक गया था, मतलब 200 रुपए का गेन आपको यहाँ से मिल गया था, और यहाँ पे मैंने बाय कॉल भी दी थी जब इसने यहाँ पे वो बनाया था वीक बनाया था
स्टॉक ने, तो मैंने कहा था आप यहाँ 172 पे 73 पे या 74 पे इन एरियाज में आप ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो अच्छा खासा अल्लाह का शुक्र है हमारे क्लाइंट ने इसमें यहाँ पे गेन किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो मैंने आपको सपोर्ट बता दिया अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंथली। अगर ये तोड़ता है, वही जिस तरह मैंने आपको बताया विक बनती है, अगर विक नहीं बनती, कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो अगेन ये नीचे डाउन साइड पे आके वापस यहीं के आके रेस्ट कर जाएगा वापस 137 पे। ये वाला 137 एरिया, 36 का एरिया, बल्कि अगर मैं यहाँ ले लूँ 144 से लेके 32 रुपए तक, ये इसका रेस्टिंग एरिया होगा या अक्यूमुलेशन एरिया होगा, जो भी आप कह लें इसको। टेक्निकल टर्म में मैं तो अक्यूमुलेशन कहूंगा, कि थोड़ा अक्यूमुलेशन यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, अब मैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, तो ये देखें यहाँ पे ये, यहाँ पे ये हायर लो हायर सॉरी हायर हाई बना रहा था यहाँ पे। ठीक है ना, एक हाई है फिर एक और हाई है, इसी को हम ले लेंगे रेजिस्टेंस के लिए, ताकि ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, मैंने इसकी इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग ली है, और यहाँ एक विक भी बनी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है मंथली का, हम यही देखें एग्जैक्टली वही आ रहा है जहाँ पे ये फिगर मैंने को 272, वैसे तो ये है 258 रुपए। ठीक है ना, 258 रुपए भी आ रहा है, विक जो है 272 रुपए बन सकती है। देखिए 258 इसका क्लोजिंग एरिया इस कैंडल का, मैं यहां से आपको शेयर करके बता देता हूँ ये वाला एरिया। ये वाला एरिया, तो ये अगर हमारे पास देखें तो एक तरह से मंथली पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आ गई है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो थोड़ा सा ये फॉन्ट उसका छोटा सा थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री इसकी हमारे पास यहाँ पे आ गई मंथली पे। ठीक है, जिस तरह वो खबरें आ रही थी ना 500 रुपये हो जाएगा, तो 500 रुपये जब होगा जब इसकी मंथली की क्लोजिंग और सस्टेनेबिलिटी 272 और एटलीस्ट 273 75 इसके ऊपर जो है सस्टेन करेगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये शायद जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस, मतलब पूरा महीना जो है इसको सस्टेन करे यहाँ पे एटलीस्ट, और इसकी कंफर्मेशन भी साथ में मिलती रही तो बहुत अच्छा। जैसे कैंडल में इसकी निगेशन हुई, फिर कंफर्मेशन होती कि मंथली पे बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, तो ये बड़ी बड़ी कैंडल के साथ बुलिश कंफर्मेशन मिलती रहेगी, तो ये आगे जाके 500 रुपये 520 रुपये ये वाला इसका टारगेट हो सकता है। 520 रुपये 21 रुपये ये फिर टारगेट अगला हो सकता है इसका, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। ठीक है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली चल रहा है, इसी तरह से इसमें भी मूवमेंट आ रही जिस तरह पहले भी आती रही है इसमें, तो अभी भी इसमें केयरफुल होकर काम करें। लेकिन जाहिर सी बात है, हर जगह कहीं ना कहीं डाउन साइड पे आपने रिस्क लेना होता है। अभी यहाँ पे RSI भी देखें तो मंथली पे 58 है, और सॉरी हाँ 58 है मंथली पे, और डेली पे अगर देखें तो डेली पे 26 आ गया है, तो यहाँ पे रिस्क बनता है, यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए डेली पे। तो ये एरिया जो मैंने आपको बताया है, इन एरियाज में आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया 155 बल्कि 163 का लो किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लें, और या फिर आप इसकी मंथली क्लोजिंग का वेट करें। लेकिन मेरे हिसाब से यार रिस्क लेना चाहिए 163 पे, ये जो है अब ये हो सकता है लो करे ये दोबारा, इसका जो है 158 163 टू 160 158 ये बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है, 55 56 यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस वही होगा 146 के नीचे जो है, अगर ये मंथली जो उस पे बेस पे 146 के नीचे परफॉर्म करता है, तो फिर रजिस्टर मैंने को पहले ही बताया कि यही कहीं 42 से लेके 32 रुपए तक या कहीं रेस्ट कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।